बहुत दुखद है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मेरे इन तीनों सवालों को गंभीरता से लेंगे और थोड़ा इस पे सोचेंगे। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से, तो एफआईआर में लिखा। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला, मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होके किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। थैंक यू। कुछ नहीं है। So that was Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia once again taking pot shots at the ruling BJP over targeting his government. He goes on to reiterate his government's charge that the BJP is only misusing the central agencies to topple the opposition government. So that was the latest that you heard from the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, once again addressing media in Delhi, and in fact reiterating that all the charges that are being levelled by the BJP against him in connection with Delhi's alleged excise scam is false. He goes on to once again reiterate, in fact, that the BJP is only misusing all the central agencies to hound the opposition leaders. In fact, once again, the Delhi Deputy CM was in fact heard throwing an open dare to the BJP, saying that arrest me if you want, I am not scared and I will not be cowed down. And on this note, in fact, let's go across to my colleague Pulkit Nagar, who's joining us on the phone line from the national capital. Pulkit, clearly this political war between the BJP and the Aam Aadmi Party is far from over. Every day there is a new battle, same old complaints. What can you tell us in terms of the key takeaways from Sisodia's press briefing? देखिए, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो टकराव है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो लगातार बढ़ रहा है। आज पहले बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखने वाला जो आज व्यक्ति है वो एफआईआर नंबर 13 है, उसका एफआईआर में नंबर 13 है, और उसने ये कहा है कि 6% कमीशन जो है वो सरकार को दिया गया। इसके अलावा अगर आप स्टिंग ऑपरेशन को सुनते हैं तो उसमें बाकी जो बातें हैं वो सब पुरानी है कि किस तरीके से एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन था और कितने पैसों में टेंडर दिए गए। हालांकि इस बात का जिक्र पहले भी एक्साइज पॉलिसी में आ चुका है, पहले भी सवालों में आ चुका है, लेकिन एक पूरे स्टिंग ऑपरेशन में जो नई बात आज सामने आई वो 6% कमीशन को लेकर थी, जिसके जवाब में अभी मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फर्जी है, मजाक है स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर, ये कहकर वो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए जी। All right, Pulkit Nagar, thank you so much for joining us with all those details.